क्या हालचाल है? This is your guy Titan Zeus here with another GNRE Sports के guys बहुत ही ओपी Underdog Battle Scream। तो चलिए guys आप लोग के लिए यहाँ पे हम लोग लेके आ चुके हैं। Everybody is getting a fair chance to play in our scrims and guys जैसे कि हम लोगों ने बोला आप लोग के लिए एक छोटा सा टूर्नामेंट होगा जिनके पास में अचीवमेंट नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। राइट ना हमारे पेयर कास्टिंग चल रही है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है टूर्नामेंट को, पर हम जरूर टूर्नामेंट रखेंगे। एक दिन का या फिर दो दिन का टूर्नामेंट रहेगा, वो बड़ा नहीं रहेगा। चार मैचेस रहेंगे जिसके अंदर से हम लोग टॉप पे आएगा बंदा जो विनर रहेगा उसको हमारा यहाँ पे स्लॉट देने वाले हैं। ऑल्सो आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे चलिए पहले पढ़ लेते हैं चैट को। पार्थ वर्मा रियल सेल्स आएगी भाई, भाई टट्टी है तू भाई। हाँ मेरे भाई ठीक है मैं तेरे से फोन के ऊपर बात कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले ब्रो। ओके गाइस, तो जैसे कि हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे बहुत ही जल्दी आप लोगों को एक अच्छा खासा यहाँ पे इवेंट मिलने वाला है, और गाइस एवरीबॉडी विल गेट अ फेयर चांस टू प्ले इन आवर स्क्रीम्स। ऐसा कुछ नहीं है कि गाइस हम लोग पेड स्लॉट देने वाले हैं, पेड स्लॉट यहाँ पे फ्री स्क्रीम्स में कभी पेड स्लॉट नहीं रहते, इतना याद रखेगा। जो भी बंदे आप लोगों को बोलते हैं कि भाई पेड स्लॉट ले लो और भाई खेलो, उसका मतलब है भाई कि भाई टट्टी 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 भाई टट्टी बंदे हैं वो लोग, और भाई उन लोग के ऊपर टट्टी का बौछार कर दो, ऐसा बौछार कर दो कि वो जो आंटी है जिसने बेचारे जोमैटो वाला का जॉब छीन लिया, उससे भी ज्यादा टट्टी इन लोगों के मुंह के ऊपर फेंकना चाहिए हम लोगों को। चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। लव योर कास्टिंग लव फ्रॉम नरक लोक। ओ भाई मेरे को मार दे तू भाई नरक लोक में भी, भाई तू उधर लेके जा भाई, और कोई जगह कहीं पे जगह बची रहेगी तो उधर भी लेके जा भाई। क्या ही बोलू भाई, ये बंदा स्लॉट नंबर 13 को दिखाते रहना। जी हाँ ऑफकोर्स यार, स्लॉट नंबर 13 को भी दिखाएंगे। वैसे पहले देख लेते हैं स्लॉट नंबर 13 कौन है। इज दैट ओ एच कल्ट या ओल्ड हुड ही ऐसी, इज इट ओल्ड हुड। देखते हैं यहाँ पे गाइस, स्लॉट नंबर 13 इज ओल्ड हुड गाइस। तो यहाँ पे ओल्ड हुड जो पुरानी खेलने वाली टीम है जिनके पास में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो लोग आ चुके हैं हमारे कस्टम में खेलने के लिए। पिछले दो तीन दिन से खेल रहे हैं एंड गाइस आई नो कि हम स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हैं, द ओनली रीजन वॉज कि हमारी पेड कास्टिंग चल रही थी, दैट इज द रीजन वाई आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन द पेड कास्टिंग एंड नॉट हियर। बट गाइस डोंट वरी, हमारे यहाँ पे होने वाले हैं कस्टम्स, हमारे होते रहेंगे हर रोज के, हमारे होते रहते हैं कस्टम। द ओनली थिंग इज कि गाइस अगर पेड कास्टिंग रहेगी एंड इफ द कास्टिंग इज मोर देन 5 or 6 hours देन आई कैन नॉट एक्चुअली यू नो गाइस स्ट्रेस ऑन स्ट्रीमिंग दिस स्क्रिप्ट, बिकॉज गाइस आप लोगों को तो पता ही है क्या होता है यार, 3 घंटे में जीप फट जाती है, और बाकी आप लोगों को तो पता ही है। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। अगर आप लोग हमारे पेड कास्टिंग देखें तो एक चैनल है नो मर्सी ईस्पोर्ट्स, यूट्यूब के ऊपर सर्च करना फटाफट आ जाए, क्योंकि नो मर्सी ईस्पोर्ट्स अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है गाइस। इसके बाद में बहुत बड़े बड़े आने वाले हैं उनके इवेंट्स, तो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें भी कर दो, और साथ ही साथ में भाई नो मर्सी ईस्पोर्ट्स को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब होना ही चाहिए। कोलैब ब्रोकन ओनली ओल्ड हुड, ओके ब्रदर ओनली ओल्ड हुड। बायोनिक पबजी व्हाट्सअप जूस भाई, बायोनिक मेरे भाई एकदम मस्त मजे में यार। यार तुम लोग अपना स्ट्रीम पे आते ही नहीं हो, जहाँ पे हम लोग स्टेटस में डालते हैं, आते रहो यार, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कास्टिंग करने का। पेड कास्टिंग हमारी चल रही है, अगर आपने देखी नहीं है तो फटाफट आओ नो मर्सी स्पोर्ट्स के ऊपर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। गाइस अगर आप लोग को खेलने हैं बहुत ही अच्छे अच्छे टूर्नामेंट, अच्छे अच्छे इवेंट्स, तो नो मर्सी स्पोर्ट्स आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टूर्नामेंट से इवेंट्स लेके आने वाला है। एंड आई एम नॉट किडिंग गाइस, और मैं ऐसे टाइम पास के लिए प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आई हैव हर्ड फ्रॉम द you know, I have heard from the owners, I have heard from the managers, so that is the reason why I am telling you guys all this. And baki baat kari jaye kon kon wahan pe aane wala hai, to bade bade hasti aayenge guys, bas yahi bol dunga। previous match mein two man chicken by on top, ye bhai 2v bhai two man chicken op bolte bro, full boom bam tagda tod diya bandon ne। chaliye guys aaj ki slot list pad lete hain और देखते हैं कौन कौन सी टीम्स खेलने वाली है। स्लॉट नंबर 3 इज MYM Esports, 4 इज लॉर्ड
स्पोर्ट्स, 5 इज वॉर स्पोर्ट्स, 6 बाज स्पोर्ट्स, 7 स्टार स्पोर्ट्स, 8 इज जंगली स्पोर्ट्स, 9 इज आर्टिकल 7, माय बैड गाइस, 10 इज टारगेट स्पोर्ट्स, 11 इज डीएमआर स्पोर्ट्स, 12 इज एशेक्स फाल्कन, 13 ओल्ड हुड, 14 मैक ऑफिशियल्स, 15 जीनियर ऑफिशियल्स, 16 जाइल स्पोर्ट्स, 17 फोर डॉट्स स्पोर्ट्स, 18 क्लॉ स्पोर्ट्स, 19 डीएमसी ऑफिशियल, 20 फोर एचएम, 21 द अनस्टॉपेबल्स, 22 रॉक्स स्पोर्ट्स, 23 जीएनआर स्पोर्ट्स, 24 एमटीएफ स्पोर्ट्स एंड 25 विल बी बीएमबीआर स्पोर्ट्स। तो गाइस इतने ही आने वाले हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। अरे स्ट्रीम कर रहे हो क्या हाल? अरे भाई एकदम मस्त हाल है ब्रो, एकदम मस्त हाल है। थोड़ा यहाँ पे गला डाउन हो चुका है बट कोई बात नहीं है, कल के थोड़ा सा गला बचाना है एक्चुअली, क्योंकि कल है अपने फाइनल्स गाइस, वहाँ पे तो फाइनल्स होने वाले हैं। एंड फाइनल्स के बाद में आपको पता है एग्जैक्टली क्या होता है, 16 का आज फाइनल है, सॉरी माय बैड गाइस, कल 16 को फाइनल होने वाला है। और फाइनल्स होने के बाद में एक दिन का ब्रेक है, 18 को गाइस तबाही मचने लगता है भाई, ग्रैंड फाइनल में तो भाई तबाही। फाइनल्स का तो आपको पता ही है गाइस क्या होने वाला है, फुल बूम बम तोड़ फोड़ मरोड़ने वाली है पब्लिक, फुल राड़ा होने वाला है, तो भूलिएगा मत। हेलो मंकी सर क्या हालचाल, MYM बोलते ब्रो, बिग फैन गाइस, बिग फैन मेरे भाई, हम ही आपके बिग फैन है ब्रो, क्या ही बोले, हम आपके बहुत बड़े फैन है सर, इतने बड़े फैन जितने फैक्ट्री में भी नहीं लगते है पता है। TSM नहीं आ रही है यूवी से क्लैश, TSM नहीं आ रही यूवी से क्लैश, हाँ मेरे भाई पता है, आई नो दैट। TSM का एक्चुअली अभी अपथर्स में भी चल रहा है उनका इवेंट, और साथ ही साथ में 1M के साथ में भी उनका इवेंट चल रहा है, तो TSM नहीं आ सकती है, TSM नहीं आ सकती है। ग्रैंड फाइनल्स के लिए गाइस टीम्स बुलाए गए हैं नो मर्सी स्पोर्ट्स के ऊपर, तो आप लोग वहां पे भी आ सकते हैं, रिनाउंड टीम्स है, बहुत ही ओपी खेलने वाले टीम से, तो गाइस ग्रैंड फाइनल से मजा आने वाला है। नॉट PMPL टीम, PMPL टीम के लिए हम लोगों ने ट्राई किया था, नो मर्सी स्पोर्ट्स की तरफ से हमारी तरफ से भी ट्राई किया था, बट द थिंग इज कि अभी इवेंट्स क्लैश हो रहे हैं तो PMPL टीम नहीं आ सकती है ग्रैंड फाइनल्स के लिए, बट वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग ऑल द रिनाउंड टीम्स हु कैन प्ले इन ग्रैंड फाइनल्स। एंड इन्वाइटेड में गाइस 10 टीम्स इन्वाइटेड है, और बाकी आप लोगों को तो पता ही है बंदों को सिलेक्ट किया जाएगा फाइनल्स की तरफ से, और देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन है क्या नहीं है, आपको तो भाई वहीं पे मालूम पड़ेगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नो मर्सी ईस्पोर्ट्स _ ऑफिशियल, फटाफट जाके फॉलो करिए। टाइम पास करते हैं गाइस, बातें करते हैं, अभी तक टाइम है 7 मिनट बाकी है, और गाइस 7 मिनट के अंदर भाई आपको पता है कि बंदे आएंगे, हमको पता है। ओके लो भाई सब मैं इनवाइट कर रहा हूँ, तो ब्रो जूस थोड़ा शाउट आउट दो भाई। अरे मेरे भाई सबसे बड़ा शाउट आउट तेरे लिए पार्थ वर्मा, तू भाई 10 अकाउंट से आ रहा है भाई, तेरा नाम है मेरे को पता नहीं है, एक बार तू बोलता है कृष्णा नाम है तेरा, एक बार तू बोलता है पार्थ मेरा नाम है, एक बार दीपा तनेजा तुम्हारा नाम है भाई, एग्जैक्टली तुम हो कौन, तुम वो हो क्या गेम ऑफ थ्रोन्स के नो फेस गॉड वाला, वो वाला सीन है क्या तुम्हारा? A man has no name वाला सीन। गेम कब आएगा ज्यूस? मेरे भाई जब गेम आएगा तभी आएगा, उसका टेंशन मत लो, अभी के लिए भाई मिल रहा है यार, कोरियन खेलो which is totally legal to play in India यार, क्या टेंशन ले रहे हो, गेम जब भी आएगा तभी आएगा, उसका टेंशन मत लो। बस ये कि बड़े टूर्नामेंट नहीं होंगे, पबजी के ऑफिशियल टूर्नामेंट नहीं होंगे, बट देन टू यार
क्यों टेंशन लेना है, चल रहा है टूर्नामेंट, अच्छे चल रहे हैं सब, अंडरडॉग ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे चांस मिल रहा है आगे आगे बढ़ने का, तो भाई ले लो भाई, मजे ले लो। एक बार पबजी ऑफिशियल टूर्नामेंट चालू हो जाएंगे फिर भाई जितने भी अंडरडॉग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी टट्टी लग जाएगी क्योंकि तुम लोगों को पता है भाई 90% क्या भाई 100% ऑफ द पीपल विल गो टू प्ले इन इन द ऑफिशियल टूर्नामेंट्स। तो भाई वो सोच समझ के करना पड़ेगा। और भाई इंडिया में इतना कचरा भरा पड़ा है, कचरा नहीं बोल रहा हूँ मैं गाइस, क्या बोलूँ, इंडिया में इतने बंदे भरे पड़े हैं कि भाई घुस घुस के सबको भाई यही गेमिंग कम्युनिटी के फील्ड में घुसना है। भाई यार तंग करके रख दिया है बंदों ने यार, साला एक स्लॉट नहीं मिल रहा है भाई बंदों को बुक करने के लिए, इन्वाइट करने गए तो भाई बंदे बोल रहे हैं ऑलरेडी इन्वाइटेड है, यार क्या ही बोलूँ यार। अरे हमको भी कुछ छोड़ दो भाइयों, हम भी तो वही कम्युनिटी के अंदर है। चलो गाइस कोई बात नहीं, पर ऐसे ही चलता रहेगा, टेंशन नहीं है ये सब चीज़ का, बस हम ये दुआ करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इनवाइटेड टीम जिनको हमने इनवाइट किया और जिन्होंने हाँ बोला, वी रियली अप्रिशिएट इट एंड वी होप कि गाइस यू ऑल विल एंजॉय। ऑल्सो गाइस अगर आप लोग को देखना है ग्रैंड फाइनल्स, तो 18 तारीख को आना मत भूलना, और नो मर्सी स्पोर्ट्स का चैनल जहाँ पे होने वाले हैं तगड़े वाले बूमबा वाले सीन। और साथ ही साथ में आप लोग को एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ गाइस, भाई मैं कास्टिंग कर रहा था भाई, थोड़ा सपोर्ट देने के लिए आ जाओ यार, तुम लोग वैसे भी यार वेले बैठते हो यार, पबजी खेलते रहते हो पूरा दिन हमारी तरह, तो यार कभी सपोर्ट करने आ जाओ यार। 5 मिनट बाकी है गाइस, 5 मिनट के अंदर फुल बूमबा होने में, बहुत ही जल्दी देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। हेलो ड्यूस, हेलो मिस्टर शार्टन ड्यूस, क्या हालचाल है डबल हार्ट भाई, बंदे यार तेजी से आ रहे हैं यार लास्ट। अच्छा ओके, तो ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है लास्ट 3 मिनट ज्वाइन एएसएपी, मैं वही सोच रहा हूँ भाई बंदे इतने तेजी से घुस कैसे रहे फटाफट फटाफट। कोई बात नहीं गाइस, मैं अभी आया, पानी भी के आता हूँ गाइस, तब तक के लिए आपके पास में टाइम है, आराम से आते रहो, 2 मिनट है फटाफट आ जाओ, उसके बाद में हम लोग चालू करने वाले। प्लीज डोंट सीट इन एनी अदर टीम स्लॉट, अगर कोई आपके स्लॉट में रैंडम बंदा है तो फटाफट बोलते रहेगा हमें, ताकि हम लोग उनको उड़ा पाए सीधा विदाउट एनी वार्निंग। जो भी बंदा हो भाई, जिसको भी हम लोग पहचानते हो, अगर वो रैंडम बंदे बैठेंगे तो उनको उड़ाया जाएगा। सब ठीक, यप सब ठीक, एकदम मस्त मजे में है। थोड़ा सा यहाँ पे गला का कुछ सीन हो सकता है, अगर आपको आवाज में दिखाई सुनाई दिखेगा कैसे भाई, मैं पागल थोड़ी हूँ भाई, कुछ भी ओके भाई, नहीं बीवी ओके, तो थोड़ा सा आवाज में सीन होगा, बट नो वरीज। राइट नाउ गाइस हम लोग कैजुअल कास्टिंग कर रहे हैं, बट आप जब भी उधर जाएंगे, बट आप पन बोल रहा, मैं आधा मराठी में बोल रहा हूँ, बट आप जब भी उधर जाएंगे नो मर्सी स्पोर्ट्स के ऊपर जहाँ पे हमारे पेड कास्टिंग होती है, तो हम सेमी कैजुअल कास्टिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को भी मजा आए। चलिए गाइस मैं आता हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स एंड मैं पानी ने पी के आता हूँ गाइस, एक मिनट पानी लेके आता हूँ यार, पी के क्या। रॉयल नूब गेमिंग बोल रहे हैं सभी टीम्स दिखा दो, यस मेरे भाई सभी टीम्स को दिखाएंगे, ऑफ कोर्स दिखाएंगे ओके। तो ये है टीम नंबर 3 व्हिच इज MYM, ऑलराइट, टीम नंबर 4 व्हिच इज लॉर्ड एस स्पोर्ट्स,
टीम नंबर फाइव इज वॉर, टीम नंबर सिक्स इज बास, टीम नंबर सेवन इज ईस्टार, टीम नंबर एट इज जंगली, नाइन इज आर्टिक सेवन, टेन इज टागरेट स्पोर्ट्स, इलेवन ट्वेल्व जीरो जीरो कोई बात नहीं, थर्टीन इज ओल्ड हुड, फोर्टीन इज मैक ऑफिशियल, फिफ्टीन इज जी एन आर की जगह पे यहाँ पे खेल रहे ऑन टॉप, ऑन टॉप स्पोर्ट्स, जीएनआर का स्लॉट आज दे दिया गया है ऑन टॉप को, क्योंकि वो ऑलवेज ऑन टॉप रहते हैं। देखते हैं यहाँ पे अभी क्या करने वाले ये वाले मीरामार के मैच में। 16 इज जाइल स्पोर्ट्स, 17 इज फोर डॉट्स, 18 इज एसेक्स फाल्कन, क्लॉ स्पोर्ट्स खेल रही है एसेक्स की जगह पे, ओके नो वरीज नो वरीज। 19 इज डीएमसी जो नहीं आई है कोई बात नहीं है, 20 इज 4HM जो कि है इरेज द अनस्टॉपेबल इन स्लॉट नंबर 21, 22 इज रॉक्स स्पोर्ट्स, 23 इज GNR esports, 24 is MTF esports and 25 is Team Bomber. Let's go guys, start कर लेते हैं 78 की lobby, यहाँ पे सब कुछ हमने set कर लिया है and as usual हम लोग aim assist को off करते हैं ताकि आप लोगों को और ज्यादा grinding और practice मिले। तो चलिए guys यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया start। अरे stream, अरे मेरे भाई क्या ही करे भाई, stream करना ही पड़ता है, चिल करो। जी हाँ चिल भी मारेंगे, बहुत ही जल्दी चिल मारेंगे। चलो तो गाइस यहाँ पे मैच हो चुकी है स्टार्ट और गाइस हमारा जो गाना है वो थोड़ी देर में यहाँ पे बंद होने वाला है, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते गाने को और देखते हैं यहाँ पे मजे लेते हैं भाई गाने के। अभी बंदे चालू करने वाले हैं उनका भाई, हाँ यही बात कर रहा था गाइस में, ये बंदूकें जब इसे दे दिए ना पबजी में कान और भाई नाक में से खून निकल आया हमारा, तो भाई ये गलत सीन कर दिया भाई, बंद कर दो यार, बंदूकें दे दी भाई इसमें भी, शांति थी यार, एक मिनट की शांति यहाँ पे मिलती थी स्टार्टिंग में। मौन व्रत हम लोग रख सकते थे ताकि किसी कोई अगर मरे तो मैं उनके लिए मौन रख सके, बट यार क्या ही बोलूं, सभी टीम ओपी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, सभी टीम ओपी है एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, फिलहाल के लिए मेरे कान तो फट रहे यहाँ पे क्योंकि हमने पहने हेडसेट और एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द लैपटॉप, तो गाइस आप लोगों का आवाज़ नहीं आया क्योंकि आप लोगों के लिए आवाज़ मैंने म्यूट कर दिया है, बट कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सुन के लेंगे। अरे भाइयों मत मारो बे, अरे गोलियां मारते रह रहे भाई, ये लोग गलत सीन कर रहे हैं भाई ये। तो गाइस यहाँ पे चालू हो चुका है और चलिए जाते हैं मैच में और भाई बंद कर देते हैं म्यूजिक को, देखते हैं क्या कहाँ पे है अपना फ्लाइट पथ और बंदे कहाँ कहाँ पे उतरेंगे। तो ला कोब्रेरा की तरफ से जा रहा है फ्लाइट पथ चूमा केरा की तरफ, देखते हैं बंदे कहाँ कहाँ पे उतरेंगे। हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, स्पेक्टेट कर रहे हैं टीम MYM को और देखते हैं क्या होगा इनके साथ में। फिलहाल के लिए अगर बात करें जाए टीम MYM की तो MYM के बंदे जो है वो आराम से यहाँ पे फ्लाइट में बैठे हुए एयर होस्टेस के पास से वहाँ पे बिस्कुट बिस्कुट मांग के आराम से बैठे हुए खा रहे हैं चाय बिस्कुट, देखते हैं कभी उतरेंगे ये लोग। म्यूजिक ऑफ कर दो, जी हाँ मिसेस शैडन्स ड्यूस म्यूजिक ऑफ कर दी गई है, डोंट वरी। आई लाइक ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है क्या, बंद कर दिया म्यूजिक। ओके तो चले गए यहाँ पे टीम MYM ने जंप मार लिया वहीं पे साथ ही साथ में इनके, और हम लोग देख रहे हैं वाई शेप के फॉर्मेशन में टीम जंप कर दी हम लोग को दिख रही है और भाई कहाँ कहाँ पे जाएगी टीम देखते हैं बहुत जल्दी हम लोग को मालूम पड़ेगा। MYM का अगर पाथ देखा जाए तो मे बी दे आर गोइंग टू हाइसिन दिया डेल पेट्रोन के एजिस में, देखते हैं कहाँ पे उतरेंगे और मे बी दे आर गोइंग समवेयर एल्स। बट अगर बात करें जाए बाकी टीम्स की तो गाइस एल पोजो में भी वहां पे अटैक आने वाला है बहुत ही जल्दी, वहीं पे टीम आर्टिक सेवन जो है वो ऑलरेडी उतर चुकी है पावर ग्रिड की तरफ, बहुत ही जल्दी अटैक्स आने वाले गाइस, देखते हैं क्या सीन होने वाला है। बात करें जाए टीम ऑन टॉप की तो ऑन टॉप एज यूजुअल जाएगी लॉसिकॉस या मिनास डेल टूर की तरफ और भाई वहां पे MYM के बंदों को पहले ही कोशिश की जा रही है, एसेक्स के बंदों ने पहला चालू कर दिया वहीं पे उज्जवल को पेल दिया गया है, बंदे मार रहे हैं MYM के बंदे वहां से निकल पड़े हैं और भाई ये स्टार के मैंशन के अंदर चल रही है फाइट, देखते हैं क्या करेंगे। सास्के यहाँ पे मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सास्के अकेला बंदा बाकी है, टीम एसेक्स फाल्कन के बंदे इसके ऊपर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सास्के के पास में भाई गन कौन सी है, फिलहाल के लिए सास्के गन ढूंढने की पूरी कोशिश किए जा रहे हैं और इनके ऊपर बंदे आगे बढ़ते हुए हम लोग को दिख रहे हैं, तो एसेक्स फाल्कन के बंदे जो है वो रश लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और भाई वहां पे ओपी सा नेट सास्के ने डाला, नाटा को पिकअप कर लिया सास्के, यहाँ पे अकेला बंदा हिट करने की पूरी कोशिश कर रहा है और भाई एसेक्स फाल्कन के बंदों को तकलीफ दिया जा रहा है, एक के पीछे एक अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा है सास्के, देखते हैं यहाँ पे क्या कर पाएगा सास्के।
ये सेक्स ट्रैफिकिंग के बंदे, दो बंदे जिंदा है और ये लोग जाने वाले अपने साथियों को रेतने की पूरी कोशिश करने वाले। वहीं पे उज्जवल आगे बढ़ता है, हम लोग को दिख रहा है और सासके वहां पे अटैक देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे एसएलआर ले लिया अपने हाथ में और भाई इनके पास में एक बर्स्ट वाली टट्टी गन जो की है म्यूटन। देखते हैं क्या सासके यहाँ पे हिट कर पाएंगे, क्या सासके यहाँ पे नॉक कर पाएंगे, किसी को पूरा 1v4 कर पाएंगे। सासके के दो साथी जो है वो ऑलरेडी मरने के लिए आ चुके हैं ऑलरेडी, और देखते हैं क्या होगा इनके साथ में। आई थिंक तो कहीं यहाँ पे सासके को थोड़ा सा आगे बढ़ के एक गन लेनी चाहिए क्योंकि ऑटोमेटिक को इनके सामने एक गन पड़ी हुई है, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज अ वेरी गुड चॉइस। मे बी मेरे को लग रहा है कि कहीं वो कोई और गन रहेगी। यूएमपी यहाँ पे पड़ी हुई है बट सासके 7.6 की गन लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सब बंदे आते हुए यहाँ पे उज्जवल को यहाँ पे नॉक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उज्जवल नॉक हुए कि नहीं वो तो पता नहीं है, बट देखते हैं वहां पे भाई सासके तीनों के तीनों प्लेयर जो है वो मर गए। सासके ने नेट यहाँ पे खींच लिया और भाई नेट मारते हम लोग को दिख रहे हैं बंदे, और भाई क्या है किसी का नॉक निकाल पाएगा? जी नहीं, सासके के ऊपर यहाँ पे तगड़ा अटैक आ रहा है। भाई सासके के बंदे मरते हम लोग को दिख रहे हैं। वही पे टीम MYM जो है थोड़ी सी पीछे है इनसे, और सासके डरने वाला नहीं है, अपना जो महल है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए टीम एसेक्स आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या टीम एसेक्स कब्जा कर पाएंगे। फिलहाल के लिए आराम से पेन किलर ले रहे हैं सासके, और सासके अकेला बंदा, बाकी एसएक्स के बंदे जो है वो अटैक करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। एंड देन उधर अगर अकेला बंदा सासके के हाथ में मिल जाएगा तो ये खत्म कर देगा बंदों को। एसएलआर हाथ में ले लिए, अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे बट नहीं, यहाँ पे चारों के चारों बंदे सासके के ऊपर आ चुके थे। एंड भाई ये फिनिश कर दिया है डिफ्यूज YT ने। डिफ्यूज यहाँ पे लेके जाएगा सासके की जान, और भाई डिफ्यूज ने 1v3 किया था वहां पे, तीन बंदों को किल कर दिया था गाइस। तीन बंदे यहाँ पे डिफ्यूज किल करते हैं, बहुत ही ओपी था खेलते हुए टीम एसएक्स फाल्कन। फाइनली यहाँ पे स्टार का रेन खत्म ही कर दिया गाइस एसएक्स फाल्कन ने। और अगर बात किया जाए हाइसिंडिया डेल पेट्रोन के मेंशन की तो उसको ले लिया है गाइस एसएक्स फाल्कन ने। देखते हैं क्या होगा। बात कर रहे थे यहाँ पे टीम नंबर 3 की, तो भाई टीम नंबर 3 के बंदे जो है वो भी अभी अटैक करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। बट मेरे को लग रहा है यहाँ पे टीम नंबर 3 वहां से निकल पड़ी है, थोड़ी सी नीचे उतर चुकी है। एंड टीम नंबर 3 जो है इनको जोन के अंदर जाना पड़ेगा। जोन की बात करी जाए तो जोन साउथ वेस्टर्नली हम लोग को दिख रहा है, साउथ ईस्टर्नली अगर बात करी जाए तो प्रॉपरली। बट मेक ऑफिशियल्स के बंदे जो है चारों के चारों बंदे आराम से वेट करें। प्रियो बॉट यहाँ पे किसी को स्पॉट करने की पूरी कोशिश किए जा रहे हैं, क्या होगा इनके साथ में। फिलहाल के लिए प्रियो बॉट यहाँ पे ओपी से खड़े हुए हैं, एंड भाई इनके पास में है स्कारल एंड मिनी का कॉम्बो। लेट्स सी यहाँ पे क्या करेंगे ये लोग। गाइस क्या प्रियो बॉट यहाँ पे नॉक कर पाया किसी को? व्हाट डू यू थिंक गाइस यहाँ पे? फिलहाल के लिए आई थिंक सो वहां पे एसएक्स नाटा ने किसी और को भी पेलना चालू कर दिया। भाई ये बंदे रुक ही नहीं रहे, ये बंदे अटैक दे रहे हैं, के पीछे एक गाड़ी फोड़ दी गई है वहां पे, और भाई ओल्ड हुड के बंदों के ऊपर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बट विकी जो है इसने दिमाग चला लिया, एक बंदे को खत्म जरूर किया है बट विकी ने अपना दिमाग चला लिया। विकी वेट करे वहीं पे इनके ऊपर आने वाले हैं तीनों के तीनों बंदे, देखते हैं क्या होने के साथ में। फिलहाल के लिए बात करी जाए तो ओल्ड हुड के बंदों की, तो आई थिंक से यहाँ पे ओल्ड हुड जो है आराम से खेलने की कोशिश करने वाली है। अच्छा खासी यहाँ पे बान हाउसेस पकड़ लिए हैं, गाइस बान हाउसेस अगर पकड़ेंगे तो गाइस इन लोगों को पता है कि भाई एग्जैक्टली एसेक्स के बंदे सीधा पुश करने की कोशिश में है। टैप टैप दे रहे वहां पे विकी, एक बंदे को नॉक, एसेक्स के दूसरे बंदे को नॉक, तीसरे को नॉक कर दिया यहाँ पे ओल्ड हुड के बंदे, रुक नहीं रहे भाई, 2v3 कर दिया इन लोगों ने। नाटा अकेला बाकी है, और नाटा को क्या करेंगे ओल्ड हुड के विकी? देखते हैं यहाँ पे नाटा भाई अकेला जिंदा, नाटा मारने की पूरी कोशिश कर रहा है, नाटा के ऊपर आ चुके हैं अटैक। देखते हैं नाटा क्या करेगा गाइस। और ये फाइनली यहाँ पे ओल्ड हुड के बंदों ने कर लिया है 2v4। सुल्तान तो भाई अभी तक गाड़ी में ही है, मजे करके आ रहा है। सुल्तान को बोल दिया इन्होंने ने भाई टू टेंशन मत ले, हम लोग आएंगे पूरा पेल के छोड़ देंगे बंदों को। तो गाइस जहाँ पे मैंशन को डोमिनेट किया था एसएक्स फाल्कन ने, वही पे रॉन्ग रस ले लिया, और गाइस ये एसएक्स फाल्कन की पूरी टीम एलिमिनेट होती है हम लोग को दिख रही है। देखते हैं थोड़ी देर में हमको मालूम पड़ेगा एक्जैक्टली गाइस क्या सीन है। ओल्ड हुड के बंदे बहुत ही मस्त है, बहुत ही ओपी से खेल के हम लोग दिख रहे हैं। टीम नंबर 10 के बंदों की बात करी जाए तो टीम नंबर 10 यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी पड़ी हुई है, आराम से वेट कर रही है, और भाई नजदीक में जाने वाले बंदों के देखते हैं क्या होगा इनके साथ में। क्या ये लोग मार पाएंगे किसी को? क्या ये लोग मारेंगे या क्या ये मारे जाएंगे? अगर बात की जाए रॉक्स स्पोर्ट्स की तो मेरे को लग रहा है कि भाई सुप्तान चिल लॉल। अच्छा वो सुप्तान है, ओके आई थॉट सुल्तान है, ओके भाई माय मिस्टेक माय बैड। देखते हैं यहाँ पे सुल्तान है, सुल्तान है, ओ इट्स सुल्तान है बे, इट्स नॉट सुल्तान।
तो गाइस अगर देखा जाए तो यहाँ पे टीनो 25 के बंदे भी नजदीक में हम लोग को लग रहा है टीनो 3 के, देखते हैं क्या होने वाला है। आर्टिक 7 के बंदे ने वहाँ पे लॉरेंस लारेन को बिल दिया है एंड लॉरेंस मार्शिनो भी मर जाते हैं, गाड़ी फूट दी है शायद से, मेरे को लग रहा है इनकी पूरी की पूरी गाड़ी फूट गई है एंड भाई वहां पे सब बंदे मर चुके हैं। टी नोट 25 नाउ दे आर फाइटिंग विद टी नंबर 3। लेट्स सी यहां पर टी नंबर 3 के दो बंदे एक जगह पे, दो बंदे कहीं और, देखते हैं यहां पे क्या करने वाले हैं। दो दो के स्प्लिट्स में आ चुके हैं बट इनको घेरा जा सकता है टीम 25 को। क्या टीम नंबर 3 के बंदे इनको घेरेंगे, क्या टी नंबर 3 के बंदे जो बाकी है एंग नॉट ओपी एंड भाई एक और बंदा जो कि है मंकी, क्या ये लोग साथ में जाके अटैक करेंगे। भाई वहां पे मंकी बंदे को बुला रहा है, मंकी बोल रहा है भाई तू आ जा मेरे को जाने का, वहां पे बंदर की तरह जाके पेलना है बंदों को, देखते हैं क्या करने वाला है मंकी। मंकी ने बंदे को गाड़ी में बिठा लिया एंड रोबी को और भाई ये जाने वाला है और पीछे से यहाँ पे अटैक किया जाएगा। फोर आवर्स के बंदे ने वहां पे मारा चालू कर दिया भाई, मुन्ना भैया क्या ही पेल रहे डेमन को, मुन्ना भैया ने वहां पे पेल दिया भैया भैया मुन्ना भैया पेले जा रहे वही पे। किक्कू ने वहां पे मुन्ना भैया को पिकअप कर लिया और गाइस यहाँ पे ट्रेड नॉक साथ हम लोग को दिख रहे हैं। निकी ने वहां पे मुन्ना भैया को खत्म कर दिया गाइस, यहाँ पे तकलीफ में आ गए हैं बंदे, देखते हैं वासु अकेले है और भाई बीएमबीआर के सीधा सामने गाड़ी रोक दी गई है। मंकी ने यहाँ पे पेलना चालू कर दिया, एक के पीछे एक बंदों को पेल दिया एंड भाई निकी अकेला है, देखते हैं यहाँ पे निकी ऊपर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और भाई ये उजी के साथ पटा देने की पूरी कोशिश, एंड को पिकअप कर दिया है, निकी को यहाँ पे खत्म कर दिया है। भाई टीम नंबर 3 के बंदे कहाँ से आए और कहाँ पे बंदों को लेके चले गए बंदों को मालूम नहीं पड़ा। टीम 25 थोड़ी सी तकलीफ में आ गई, थोड़ी सी ऑफ गार्ड पकड़ लिए गए यहाँ पे। तो दो बंदे जो पीछे से आए उन्होंने बहुत ही ओपी से अटैक किया। वहीं पे जियांग के बंदों को अगर देख लिया जाए तो जियांग के बंदे आराम से होल्ड किए जा रहे हैं, मेकअप फेस के ऊपर यहाँ पे अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्टीव को हम लोग देख रहे हैं फिलहाल के लिए, अगर बात करी जाए तो वहां पे सुल्तान ने भी किसी एक बंदे को पेल दिया गया है, देखते हैं यहाँ पे मेक ऑफिशियल्स अगेंस्ट जीएनआर स्पोर्ट्स का फाइट किसने और ये अटैक दे दिया है, स्टीव को पेल दिया है। वहां पे पिकाचू ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे बट नहीं, ऊपर नहीं चढ़ेंगे, पहले जाएंगे स्टीव को रैप देने की पूरी कोशिश करेंगे, स्मोक के साथ में स्मोक डाल दिया गया है यहाँ पे पिकाचू की तरफ से और भाई पिकाचू आराम से होल्ड करेगा। बट अगर बात करी जाए मेक ऑफिशियल्स की तो मैक के बंदे जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्कल ने यहाँ पे एक हाई ग्राउंड ले लिया है, नेट खुक करके पेल दिया गया है यहाँ पे। क्या पिकाचू फूट जाएगा, क्या पिकाचू फूटेगा, जी हाँ फूटेगा, थोड़ा सा यहाँ पे हेल्थ को डैमेज देगा जरूर। स्टीव वहां पे है और भाई स्टीव को तकलीफ में डाल दिया, वही पे बीटी को पिकअप कर लिया शकुनी ने बहुत ही ओपी तरीके से, देखते हैं यहाँ पे स्टीव आई थिंक सो मर जाएंगे, क्या स्टीव नहीं बचने वाले हैं। बट बात करी जाए यहाँ पे मैक की तो मेरे को लग रहा है मैक जो है वो घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वहां पे आंसू भी पिकअप कर लिया है, देखते हैं क्या होगा। पिकाचू अकेला बाकी है यहाँ पे गाइस, हिट करें पूरी कोशिश, हिट कर दी है पिकाचू ने एक बंदे को पिकअप करके फिनिश कर दिया है और भाई यहाँ पे जीएनआर स्पोर्ट्स खत्म। तो भाई यहाँ पे मैक के बंदे जो है स्कल नहीं बचा पाए अपने साथी को, कोई बात नहीं है। बट ऑन टॉप के बंदों की बात करें तो ऑन टॉप के पीछे पीछे टीम इरेज भी आ रही है और गाइस हम लोग को लगता है यहाँ पे जल्दी ही अटैक्स आने वाले। जंगली की बात करते हैं, जंगली फिलहाल के जोन के बाहर है, जंगली में आज खेल रहे हैं गाइस। जंगली के पहले यहाँ पे टीम नंबर 16 में साइल स्पोर्ट्स खेल रही है, देखते हैं यहाँ पे साइल स्पोर्ट्स क्या करने वाली है अपनी टीम के लिए। वहीं पे गाइस आई थिंक सो यहाँ पे अगर जंगली की बात करते तो जंगली का एक बंदा जो है क्रैबी मर चुका है, तेंदुआ बाकी है, बदमाश बाकी है, देखते हैं यहाँ पे बदमाश क्या करेगा अलोंग विद तेंदुआ। ऑन टॉप के बायोनिक ने वहां पे पेलना चालू कर दिया, भाई ये लोग रुक नहीं रहे, प्रिंस एंड बायोनिक को भाई गुस्सा आ चुका है, भाई हमारे एरिया में बंदे आए कैसे, देखते हैं यहाँ पे क्या करने वाले। इरेज के बंदे जो है थोड़े से यहाँ पे होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं एंड राइजर को वहां पे पिकअप कर लिया है, हाइड्रॉस जो है वो आराम से रेप दिए जा रहे हैं। ओल्ड हुड जॉड ऑफ वॉट टू स्क्वाड वाइप्ड इन 10 सेकेंड आई, ये भाई स्लॉट 21 को भी जरूर दिखाएंगे, चलिए जाते हैं यहाँ पे स्लॉट 21 को भी जरूर दिखा देते हैं गाइस। तो स्लॉट 21 की डाउन स्टॉपेबल की बात करेंगे तो डाउन स्टॉपेबल जो है वो आराम से मजे देते हैं। हाइड्रॉस ने वहां पे रिटर्न नॉक ले लिया, प्रिंस का बहुत ही ओपी ट्रेड नॉक लेते हुए हाइड्रॉस हम लोग को दिख रहे हैं एंड स्लॉट 21 की बात करी जाए तो ये लोग आराम से जा रहे हैं। तो गाइस मेरे को लग रहा है कि इनके पास में अभी टाइम है, चलिए जाते हैं वापस से ऑन टॉप के पास में, ऑन टॉप के बंदे जो है जो नॉक पड़े हुए हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या करें। प्रफुल ने यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेटेजिकल मूव किया है गाइस, यहाँ पे आराम से सुमड़ी में जाके पीछे से अटैक करेगा प्रफुल, देखते हैं 7-6-2 एंड मी कॉम्बो लेके बंदा आगे बढ़ रहा है एंड भाई यहाँ पे नॉक निकलने की पूरी कोशिश करने वाला है। बेटे का टैप टैप दिया, नॉक नहीं कर पाया, दूसरे को टैप टैप दिया, नहीं नॉक कर पाया, स्पॉट ओके प्रफुल हो गया नॉक, ये गलती कर दी है प्रफुल ने, बहुत ही दूर ये बंदा नॉक हुआ पड़ा है गाइस। यहाँ पे इनका फ्लैंक
ना कामयाब हो चुका है वहीं पे गाइस, बंदे मारते हम लोग को दिख रहे हैं, मरते हुए हम लोग को दिख रहे हैं। मेक ऑफिशियल्स ने वहां पे बंदों को पेलना चालू कर दिया है और मेक ऑफिशियल्स नहीं रुक रहे। मेक ऑफिशियल्स के नजदीक में वहां पे दो बंदे हैं, देखते हैं यहाँ पे एम्परर जो है वो नॉक हुए पड़े हैं। अरे 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 भाई, इंटरनेट कनेक्शन की माँ का साकी नाका भाई, ये गया कहाँ पे इंटरनेट? हेलो एंड नॉट ओपी मेरे भाई, क्या हालचाल है? चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑन टॉप के बंदों के साथ में क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए ऑन टॉप के बंदों की अगर बात करें जाए तो ऑन टॉप के बंदे जो है वो आराम से होल्ड किए जा रहे हैं और इनके दोस्त लोग दोस्त को आने के लिए, बट आई थिंक सो वहाँ पे ऑन टॉप के बंदे छोड़ने वाला नहीं है बंदों को, बहुत जल्दी यहाँ पे अटैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं पर ऑन टॉप के बंदों को यहाँ पे फेला जा रहा है एंड अलाइव ब्लेड अकेले, बाकी अलाइव ब्लेड यहाँ पे रह देने की पूरी कोशिश करें। जाहिर स्पोर्ट नहीं रुक रहे, जाहिर स्पोर्ट के बंदे यहाँ पे नेट डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे प्लेयर की बात करें तो लेफ्ट एंड राइट इनके ऊपर अटैक आ रहे हैं, पर यहाँ पे ओपी सा नॉक निकल गया फ्रिक का। ड्रैकुलर वहां से अटैक करेंगे कि नहीं वो तो पता नहीं है, फिलहाल ड्रैकुलर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई, ड्रैकुलर नॉक नहीं निकल पाए अनस्टॉपेबल्स के 65 का। देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या सीन होने वाला है। आई थिंक सो वहां पे बहुत ही जल्दी अटैक आने वाला है। फिश किया ऑन टॉप को रिपोर्ट, ओके कौन फिश किया देखेंगे हम टीम को और बाद में पेलेंगे बंदों को, टेंशन मतलब। तो यहाँ पे भाई रिटर्न नॉक आ रहा है ड्रैकुला के ऊपर, ड्रैकुला वहां पे आराम आराम से वापस से हेल्थ लगा रहा है। ड्रैकुला के पास में है कार्ल, ड्रैकुला को वेट करना पड़ेगा। अनस्टॉपेबल्स के बंदे जो है 65 ने यहाँ पे नेट डालने चालू कर दिए, ड्रैकुला के पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। इनके दो साथी कहीं दूर है आई गेस, ये लोग जोन के अंदर है और भाई ये लोग होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे अनस्टॉपेबल्स के बंदे भी रुक नहीं रहे हैं, फिलहाल के अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इशाद ब्लेड यहाँ पे आ चुके हैं, भाई ब्लेड को पता है यहाँ पे सीधा अंदर घुस के अटैक करना है। नेट कुक कर लिया गया है, लो टॉस पे यहाँ पे मारने की पूरी कोशिश करे, कर ले नहीं हाई टॉस कर लिया है भाई, ये फेंकेगा नेड और फोड़ेगा बंदे को। ड्रैकुला के हेल्थ बहुत ही लो, अटैक दे दिया है निशाद ने, वहां पे पिकअप कर लिया ड्रैकुला को। और गाइस यहाँ पे बंदा मरता हुआ ड्रैकुला को पेल दिया गया, पीछे से बंदे अटैक कर रहे हैं। आई थिंक सो दैट इज रियू वाटी, देखते हैं यहाँ पे रियू वाटी क्या करने वाले। फिलहाल रियू की हेल्थ बहुत ही लो, रियू बच गया है भाई। रूम में तो पिंग ही नहीं आ रहा था इस मैच में, पता नहीं क्या ग्लिच था ब्रो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। अगर आप देखेंगे हमारा पिंग तो आई गेस इट इज 40 और समथिंग, समवेयर अराउंड दैट। बीच में पिंग स्पाइक हो रहा है बट आई थिंक तो बीच बीच में 20 का पिंग आ रहा है, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली। भाई इनके ऊपर बहुत ही गंदा अटैक आ रहा है रियू वाइटी के ऊपर, आई थिंक सो रियू वाइटी को यहाँ से निकलना चाहिए बिकॉज जोन आ चुका है, बट ये लोग निकलने वाला नहीं है, जोन बहुत दूर है भाई, दिल्ली बहुत दूर है, ये मार के जाएगा या मर के जाएगा दोनों में से एक चीज। देखते गए यहाँ पे रियू वाइटी क्या करने वाला है, कॉन्स्टेंट 300 पिंग। ओ भाई 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 क्या ही, अनस्टॉपेबल्स के 65 ने यहाँ पे गाड़ी घुमा ली है, बंदा वहां से घूम के आगे बढ़ने वाला है। देखते हैं रियू के ऊपर अटैक्स बहुत कंटिन्यूसली आ रहे हैं एंड रियू ने वहां पे एक स्मोक फेंक दिया है, क्या करने वाले हैं रियू? आर्टिक 7 के बंदों ने वहां पे पेलना चालू कर दिया, गाइस जल्दी जाते हैं यहाँ पे आर्टिक 7 के बंदों के पास में और देखते हैं यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। ग्रिफिन जो है वो बेटा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई, इन लोगों ने तो भाई पूरी टीम को खत्म कर दिया। आई थिंक सो वो है टीम जंगली, दो बंदे बाकी थे, दोनों बंदों को खत्म कर दिया। नाटक 7 के बंदे यहाँ पे आराम से वेट करते हम लोग को दिख रहे, देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या सीन होगा। ऑन टॉप के बंदों ने यहाँ पे आराम आराम से होल्ड कर लिया है बंदों को, बट आई थिंक सो बंदे यहाँ से नहीं जाएंगे, बंदे पानी से तैरते हुए जा रहे हैं इरेस के बंदे। बट गाइस अगर जोन के बाहर बात की जाए तो मेरे को लग रहा है कि फ्रिक्स जो है, फ्रिक्स को ऊपर भी अटैक आ रहे हैं, फ्रिक्स रुक नहीं रहा है। आई थिंक तो गाइस फ्रिक्स यहाँ पे अच्छा खासा दिमाग चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अनस्टॉपेबल के ऊपर अटैक आ चुका है एंड भाई वहां पे 65 को पिक ऑफ कर लिया गया है, उसके ऊपर भी रियू के ऊपर अटैक आ चुका है। रियू नहीं छोड़ने वाला है बंदों को, जिगल देके यहाँ पे आगे पीछे लेफ्ट एंड राइट मारने की पूरी कोशिश कर रहा है एंड फाइनली एक बंदे को पिक ऑफ करके चला गया। फ्रिक्स जो है वो आराम से होल्ड किया जा रहा है, हेल्थ लगाएगा और हेल्थ जाके भाई बंदे को पूरा का पूरा बचाएगा या शायद से पेल देगा। फोर्ड के बंदों ने वहां पे पहला चालू कर लिया है, देखते हैं फोर्ड के बंदे क्या कर रहे हैं। कुछ गेम का ही प्रॉब्लम है, हाँ हो सकता है ब्रो, हो सकता है हो सकता है। शंभू पबजी वाईटी आज 3-6 से खेल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे शंभू पबजी वाईटी क्या करने वाले हैं। फिलहाल के लिए अगर बात करें शंभू पबजी वाईटी की तो शंभू पबजी वाईटी मेरे को लग रहा है कि आराम से यहाँ पे होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, इनके ऊपर अटैक आ रहा था और भाई यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश की जाएगी शंभू की तरफ से। देखते हैं यहाँ पे क्या शंभू पबजी वाईटी बच पाएंगे। फोर डॉट्स के बंदे इनके ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं बट शंभू पबजी वाईटी उतने शातिर है कि भाई इन्होंने गाड़ी ले ली और गाड़ी लेके सीधा निकल गए, यहाँ से जाएंगे जोन के अंदर क्योंकि जोन हो चुका है चालू। भाइयों
वहीं पे गाइस यहाँ पे अगर देखेंगे एक्स अखंडा तो वो गिरा पड़ा है भाई, इसके ऊपर अटैक आ रहे हैं, एमटीएफ के बंदों के ऊपर अटैक आ चुके हैं भाई। लकी ने एक बंदे को स्पॉट कर लिया है, बट नहीं हॉक को भी खत्म कर लिया है बंदों ने भाई। टीम आर्टिक सेवन वापस है यहाँ पे, बंदों को पेल दिया, हम लोग को दिख रही है टीम आर्टिक सेवन बहुत ही ओपी खेलती है, खेल रही है एंड खेलती है गाइस। देखते हैं हम लोग फिलहाल के अभी क्या चल रहा है इन लोगों के साथ में। अभी ये एक दूसरे के टीममेट्स को रैप देंगे, वहीं पे इनके नजदीक में मेरे को लग रहा है कि गाइस एक बंदा है जो कि है मास। देखते हैं मास क्या करेगा, टीम नंबर 12 का मास क्या करने वाला है। सुमड़ी में बैठा हुआ है मार्स, देखते हैं गाइस मास क्या करने वाला है। आई थिंक सो यहाँ पे बहुत ही जल्दी अटैक्स आने वाले हैं मास के ऊपर, बट मास जो है वो सुमड़ी में एक बंदे को पिकअप करके जाएगा। क्या ये पिकअप करेगा, कैसे पिकअप करेगा गाइस वो तो पता नहीं है। स्लॉट 13 के बारे में पूछ रहे बंदे, किलर को आराम से पिकअप कर सकते हैं और ये मार दिया किलर के ऊपर, मिस कर दिया है और भाई ये बंदा गया 12 के भाव में चला गया, गया भाई भाई एक बंदा गया। स्लॉट नंबर 13 को दिखा देते, वहां पे ओल्ड हुड के बंदे बहुत ही ओपी खेलते हुए, वहीं पे थापा मर चुके हैं ऑलरेडी प्ले जोन से एंड भाई बंदे मरते हुए को दिख रहे हैं। भाई मेरे को लग रहा है कि भाई ऑन टॉप के बंदे ने इनको जोन के अंदर आने नहीं दिया गाइस, गाड़ियां लेकर चला रहे थे एंड भाई बायोनिक का निशान तो है, इन्होंने ऑलरेडी होल्ड कर लिया है। रॉक्स के बंदे भी यहाँ पे है, देखते हैं यहाँ पे ऑन टॉप वर्सेस रॉक्स होने वाला है। दो बंदे मर चुके हैं, दो बंदे जिंदा है, क्या होने वाला है इन लोगों के साथ में। भाई इनके पर फायर जरूर आई थी गाइस बट नहीं रुकेंगे, यहाँ पे ऑन टॉप के बंदे जोन के अंदर घुस जाएंगे और बाद में रुकेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ऑन टॉप निशान के साथ में, निशान ने गाड़ी यहाँ पे रोक दी है, अपने बग्गी को रोक दिया है। रॉक्स के बंदे जो है वो आराम से होल्ड कर जा रहे हैं, ऑन टॉप के बंदे के साथ में यहाँ पे फाइट लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे रॉक्स के फैन ओपी क्या करेंगे, क्या ये फैंग से अपने अटैक करेंगे या यहाँ पे कुछ गलत सीन कर देंगे। मेरे को लग रहा है यहाँ पे निशान फंस चुके हैं, तो देखते हैं यहाँ पे इनके ऊपर चारों से चारों बंदे अटैक कर जा रहे हैं। मैं पीछे से वहां पे स्पॉट कर लिया, वहीं पे ग्रिफिन को पिकअप कर लिया गया। टीम नंबर 7 टीम नंबर 22 की हो रही है फाइट एंड भाई ऑन टॉप के बयाने की यहाँ पे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, निशान को यहाँ पे पूरा फिनिश करने की कोशिश की जा रही है। मेरे को लग रहा है शंभु बाजू आर्टी ने अच्छा खासा यहाँ पे कंफर्म होल्ड कर लिया, वहीं पे टीम नंबर 10 के बंदे जो है वो टैप टैप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे नॉक किए जा रहे हैं। और भाई ये किसका टैप टैप था, मिनी का, क्या ही तगड़ा टैप मार रहा है ये बंदा, किसका है ये, मेराट्रॉन का यहाँ पे टैप है गाइस, क्या ही टैप मार रहा है ये बंदा, टप 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 ऐसे लग रहा है भाई ऑटोमेटिक चला रहा है भाई, क्या ही बोलू गाइस यहाँ पे बहुत ही मस्त टैप दिए जा रहा है ये बंदा। टीम नंबर 13 की बात कर रहे थे, टीम नंबर 13 क्या कर रही, फिलहाल के लिए यहाँ पे रुकी पड़ी है, बायोनिक मर चुके हैं वहां पे। शंभू ने वहां पे एक ओपी से नॉक निकाल रहा है, शंभू नहीं रुक रहा है भाई, शंभू छोड़े नहीं जा रहा है, बंदे को पेले जा रहा है, एक पीछे एक आर्टिक सेवन के ट्रिगर को पेल दिया शंभू ने। शंभू अगर बाकी है पर भाई बंदों को लेके जाएगा ये, देखते हैं यहाँ पे इसके सामने है किलर और भाई ये आराम से स्पॉट कर रहा है बंदों को, तो नॉक निकाल सकता है बंदों का। देखते हैं यहाँ पे क्या ये किलर का नॉक निकाल सकता है, जी हाँ शंभू को दिख जरूर रहे हैं किलर, बट थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ है। ओ ऊपर से नीचे गिर गया शंभू, वापस जाना पड़ेगा इसको ऊपर, और शायद से ये ऊपर जाएगा बिकॉज इसको पता है कि भाई ऊपर बहुत ही अच्छा स्पॉट है इसके लिए एंड इसको जोन के अंदर भी जाना है गाइस, तो यहाँ पे टाइम ऑलरेडी हो चुका है, मे बी ही इज गोइंग इनसाइड द जोन। जी हाँ जैसे कि हम लोगों ने सोचा था गाइस यहाँ पे ही इज गोइंग इनसाइड द जोन और भाई रॉक्स के बंदे यहाँ पे अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और टीम नंबर 10 एज वेल एज दे सम गाइस आई थिंक दैट इज शंभू ओनली। देखते हैं क्या होगा, ओल्ड हुड के बंदे जो है वो ऑलरेडी जोन के अंदर आ चुके हैं भाई, वहां पे एक बंदे को पेल लिया गया है बाय टीम 4 डॉट्स एम आई 4 डॉट्स के बंदे जो है वो अटैक करने पूरी कोशिश कर, टैप टैप दे रहे, टिन टिन टैप टैप दे रहे, सुल्तान के ऊपर टैप टैप पूरे दिए जा रहे, 10 का डैमेज दे दिया है और क्या ये एक और डैमेज दे पाएगा टिन टिन नहीं, सिवा के लिए आराम से यहाँ पे होल्ड कर लिया गया है, मे भी यहाँ पे अटैक करने पूरी कोशिश करे। शंभू ने वहां पे एक बार बंदे को पिकअप कर लिया एंड भाई फिनिश करेगा बंदे को भाई, भाई एक पीछे एक शंभू सुमड़ी में जाके पेले जा रहा है। 1 मिनट बंदे के पास में बाकी है, बंदा जोन में धीरे धीरे सुमड़ी में आ रहा है, वहीं पे रॉक्स के फैंग है, देखते हैं यहाँ पे शंभू पबजी वाईटी क्या कर पाएगा, क्या ये बंदा पेलेगा या अभी क्या ये पिला जाएगा। बट आई थिंक सो गाइस रॉक्स के फैंग जो है वो बहुत ही दूर है गाइस, बहुत ही दूर है, शंभू को यहाँ पे जोन के अंदर भी जाना है। टीम टारगेट स्पोर्ट्स भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, रॉक्स के बंदों को वहां पे देख लिया गया है एंड गाइस इनके ऊपर अटैक बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो गाइस आप लोग क्या लगता है यहाँ पे क्या सीन होगा एक्जैक्टली, टारगेट स्पोर्ट्स के बंदे जो है वो आराम से यहाँ पे होल्ड किए जा रहे हैं और भाई इनके नजदीक में टीम 4 डॉट्स के बंदे भी है जो कि अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो स्पार्टन की बात करते हैं तो स्पार्टन जो है इनके पास में टैप टैप्स की गन है अलॉन्ग विथ एन MK, तो गाइस यहाँ पे MK का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
देखते हैं गाइस यहाँ पे कैसा इस्तेमाल करते हैं स्पार्टन एमके को। वहीं पे रॉस के बंदों के ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एंड टीम मिनटू के बंदे भी यहाँ पे अटैक देने की कोशिश कर रहे हैं। स्पार्टन ने गाड़ी को दे दिया स्लैम, भाई यहाँ पे उल्टा स्लैम देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। स्पार्टन यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, एमके साथ में रिलोड नहीं किया है अभी तक, आराम से यहाँ पे होल्ड करेंगे एंड भाई तगड़ा अटैक करने की पूरी कोशिश। वहीं पे वॉर के चोमू ने वहाँ पे फोर डॉट्स का टिंटिन को फेल दिया है विद कार 98, बहुत ही ओपी से नॉक यहाँ पे निकालते हुए वॉर के चोमू, नेट कुक कर लिया है, मॉल डाल दिया यहाँ पे भाई और बंदे की हेल्थ लो। एक्सलॉट को यहाँ पे तकलीफ में डाल दिया गया और भाई वहां पे स्पार्टन ने पिक ऑफ कर लिया है। फैंग बाकी है, देखते हैं यहाँ पे फैंग के साथ में क्या होगा। फैंग पूरा कोशिश कर रहे हैं बंदों को मारने की बट फैंग की ताप पर पास से नहीं हो रहा है। फिलहाल स्पार्टन आ रहे हैं एमके और ये भाई फैंग खत्म, स्पार्टन के हाथ से कोई नहीं बचने वाला है गाइस। मेरे को लग रहा है यहाँ पे एमके बहुत ही तगड़ा अटैक करने वाला है पर वॉर के बंदे जो है वो धीरे धीरे जोन में ऑलरेडी आ चुके हैं भाई, अटैक बहुत जल्दी करने वाले हैं एंड भाई ये कर लिया है अटैक। शंभू वापस से नीचे, एम असिस्ट नहीं है गाइस, तो यहाँ पे सबको करनी पड़ेगी मेहनत, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो एंड भाई शंभू पबजी वाई टी मर चुके हैं। फाइनली यहाँ पे खत्म करते हुए हम लोग को दिख रहे हैं जो कि एक खलनायक एंड आई थिंक सो वहाँ पे ऊपर वॉर के बंदे भी जिंदा है, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा वॉर के बंदों के साथ में। गाइस आई थिंक सो यहाँ पे वॉर के बंदों को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा एंड गाइस जैसे कि हम लोग बोल रहे थे आप लोग को कि हम लोग वहाँ पे लेके नहीं आएंगे, एम असिस्ट हम लोग ऑन नहीं करेंगे। अगर आप लोग को हमारे स्क्रिप्ट में यहाँ पे ग्राइंड करना है तो यस गाइस यू विल हैव टू प्ले विदाउट एम असिस्ट, जो आपका एम और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। जब भी आप लोग कोई और स्क्रीन में खेलेंगे तो बंदे पूछेंगे भैंस की टैट तुम लोग कौन से स्क्रीन में खेल के आए हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे गाइस फोर डॉट्स के बंदे क्या कर रहे हैं। फोर डॉट्स के बंदे जो है उनके ऊपर भी अटैक्स आ रहे हैं, टैप टैप्स आ रहे हैं। फोर डॉट्स को पता है कि भाई यहाँ पे एम असिस्ट काम नहीं करने वाला है, सो द बेस्ट थिंग टू डू इज टैप टैप्स। देखते हैं यहाँ पे क्या करने वाले ओल्ड हुड के बंदे। इनके नजदीक में टीम टारगेट स्पोर्ट्स आ रही है, कितना अच्छा इनका एम है गाइस, ये हम लोग को अभी देखने मिलने वाला है। और भाई अटैक कर लिया गया है यहाँ पे एक के पीछे एक, दोनों को डैमेज देते हुए यहाँ पे हम लोग को दिख रहे हैं सुल्तान, पर सुल्तान का यहाँ पे एक तगड़ा नेड बंदों को पिंच और भाई खलनायक वहां पे पिक ऑफ बाय क्रेजी एक्स ओपी। खलनायक नहीं एक्चुअली ये है मेराट्रॉन, आई गेस सो ये मेराट्रॉन है या नो गाइस ये खलनायक है भाई, डबल खलनायक भाई, दो खलनायक आ चुके। खलनायक को यहाँ पे एक और खलनायक को पहले ही पूरी कोशिश की जा रही है, खलनायक का डबल रोल यहाँ पे हम लोग को देखने मिल रहा है गाइस। देखते ओल्ड हुड के बंदे फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, फोर डॉट के बंदे ऑलरेडी जोन के अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहे हैं गाइस। अगर बात करें तो 10 बंदे अलाइव है, 3 टीम्स 6 जोन चल रहा है एंड सबको यहाँ पे रुकना है, खलनायक आराम से होल्ड किए जा रहे हैं। विकी की बात करें तो आई थिंक सो गाइस यहाँ पे विकी पिकअप हो सकते हैं बट ही इज वेरी कॉशियस अबाउट हिज मूव्स, देखते हैं क्या होगा। फोर डॉट्स के ऊपर भी अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहां पे खलनायक को वापस से पिकअप कर लिया गया है, मेराट्रॉन को पिकअप कर लिया गया है वहां पे फोर डॉट्स के बंदों ने। और गाइस यहाँ पे इंटेंसिफाइड हो चुका है मैटर एंड सिचुएशन और भाई सुल्तान के ऊपर नेड का यहाँ पे जरूर असर गिरा बट 20 का असर, क्रेजी ओपी को पिकअप कर लिया खलनायक ने, खलनायक को पिकअप कर लिया है भाई वहां पे विकी ने, ट्रेड नॉस लेके भाई खत्म कर दिया खलनायक को, अपना किल कर दिया सिक्योर एंड टीम ओल्ड हुड जो है वो उसको मालूम है कि भाई उसको जाना है जोन के अंदर। फोर डॉट्स के बंदे जो है वो यहाँ से अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बट देखते हैं यहाँ पे क्या टीम ओल्ड हुड जोन के अंदर जा पाएगी क्योंकि इनके पास में है अभी सिर्फ 27 सेकंड, देखते हैं कैसे जाएंगे जोन के अंदर। टाइगर स्पोर्ट्स के बंदे दिमाग चला के यहाँ पे जोन ले लिया मैराथन एंड स्पार्टन, बहुत ही ओपी सब जोन ले लिया है। आए आए कैप्टन आए ये बूम बाम, तो देखते हैं यहाँ पे क्या सीन होगा। मेरे को लग रहा है यहाँ पे टीम टारगेट स्पोर्ट्स के ऊपर अटैक बहुत ही तगड़े आ रहे हैं, दोनों टीम्स के पास यहाँ पे अटैक आ रहे हैं हम लोग को दिख रहे हैं एंड बट यहाँ पे टारगेट स्पोर्ट्स के यहाँ पे स्पार्टन ने ऑलमोस्ट स्पॉट किया था पर बिना एम असिस्ट के अटैक नहीं कर पाए स्पार्टन, थोड़े से यहाँ पे चूक गए गाइस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल स्पार्टन के पास में ढेर सारा टाइम है, मार सकते हैं बंदों को, देखते हैं किसको स्पॉट कर पाएंगे नहीं। आराम से यहाँ पे अपना कवर लगा लिया है एक साइड से और देखते हैं क्या ये फोटोस को पिक ऑफ कर पाएंगे। स्पार्टन वापस से यहाँ पे देखते हुए और भाई बंदे को हिट करने की पूरी कोशिश, स्पार्टन ने पिकअप कर लिया क्रोनस को, वहीं पे तुलतुल को भी पिकअप कर लिया क्रेजी एक्स ओपी ने और गाइस यहाँ पे फोर डॉल्स के बंदे तकलीफ में ऑलरेडी आ चुके हैं बट टीम टाकर स्पोर्ट्स यहाँ पे रुक रही है, आराम से होल्ड कर रही है, इनको पता है कि भाई बंदे इनके पास में आएंगे अटैक करने के लिए। और भाई यहाँ पे ओल्ड हुड के बंदे क्या ही खेल रहे गाइस, पीले जा रहे, 11 किल्स यहाँ पे बंदों ने किए हैं, 2v2 का फाइट यहाँ पे हम लोग देखने मिलने वाला है। भाई विकी यहाँ पे जल्दी अटैक करने वाला है, खड़ा होके विकी मारने की पूरी कोशिश करने वाला है, देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या सीन होगा। खड़ा हो चुका है स्पार्टन के ऊपर अटैक, स्पार्टन ने वहां पे रिटर्न अटैक दे दिया है, क्रेजी एक्स ओपी अकेला यहाँ पे रहने की पूरी कोशिश कर रहा है,
पार्टनर को पिकअप कर लिया, एक्वेरियस होप अकेला बंदा बाकी आगे बढ़ रहा है। मेलाट्रॉन को दे दिया और चिकल मार के मेलाट्रॉन ने यहां पे ओल्ड हुड को फिनिश कर दिया। बहुत ही ओपी खेल रही थी ये टीम ओल्ड हुड की, पर गाइस पर यहां पे चिकन डिनर लेके चले गए टारगेटेड स्पोर्ट्स। गाइस इनको बोलते हैं भाई, इनके नाम में लिखा है टारगेटेड स्पोर्ट्स, तो बंदे के भाई शॉट्स जो है, जो बुलेट्स है वो टारगेट के ऊपर लगने वाले हैं। बहुत ही ओपी खेले गए थे यहाँ पे, 9 10 11 किल के साथ में यहाँ पे टारगेटेड स्पोर्ट्स ने ले लिया चिकन डिनर। वही पे टीम ओएच की बात करी जाए तो 11 किल्स भाई इक्वल किल्स के साथ में ले रहे हैं चिकन, चिकन नहीं सेकंड रनअप्स, फर्स्ट रनअप्स बोल सकते हैं आप गाइस। एंड फोर डॉट्स के बंदे भी बहुत ही ओपी खेले, थ्री मैन स्क्वाड थी, बहुत ही ओपी होल्ड किया फोर डॉट्स के बंदों ने। एंड फाइनली बट गाइस यहाँ पे चिकन डिनर चला गया है टारगेटेड स्पोर्ट्स को। चलिए गाइस अगर आप लोग को पसंद आया तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो हम कर रहे हैं एक पेड कास्टिंग नो मोसी स्पोर्ट्स के चैनल के ऊपर, तो वहां पे भी एक फटाफट जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो यार, क्योंकि आपको हम शाम से 4 बजे से लेके 9 बजे तक वहीं पे देखने मिलने वाले हैं, हमारे कास्टिंग वहीं पे होने वाली है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर क्या बोलते हैं भाई, इसको कपड़ा पहनाओ बे, ये कौन ऐसा किया बे, ये साले गंदे चाले कौन करता है, इसको कपड़ा पहनाओ पहले। आयचा गावत, अबे कपड़ा नहीं है, अबे भैंस किया, हाँ कपड़ा है ना इसके पास, हाँ तो गाइज इसको कपड़ा पहना लिया। चलिए हाँ, तो गाइज हम ये बोल रहे थे कि इसके बाद में हमारे होने वाले मराठी में टाइम पास वाली स्ट्रीम, तो अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग रुक सकते हैं, हमारा T69 का गेम प्ले हम दिखाने वाले हैं। तो तब तक के लिए अगर आप लोगों को नहीं देखना तो तड़ा वापस यू आसला विस्ता गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर एंड स्टे सेफ एवरीबॉडी, मिलते हैं कल वापस से। जी हाँ स्ट्रीमिंग होगी, मतलब होगी लास्ट मैच होगी, फर्स्ट मैच होगी, आई कैन नॉट से दैट, बट आई ट्राई टू स्ट्रीम गाइज, मैं स्ट्रीम करने के लिए बहुत ट्राई करूंगा। कोई ना भाई, जी जी ओल्ड हुड, जी हाँ मेरे भाई बहुत ही मस्त खेले ओल्ड हुड, बहुत ही तगड़े खेल रहे थे, बहुत ही तगड़े गाइस। यू बॉट 150 देगा, स्लॉट दे दे भाई 150 रुपए के लिए स्लॉट मंगा, शर्म आ रही है पूरे तेरे को, शर्म आ रही है मेरे भाई, सीधा कॉन्टेक्ट नंबर तेरे को दे दिया है फाइनल्स का एंड ऑल्सो उसका, जाके ले ले स्लॉट। मेरे को भाई, मेरे को मिडिल मैन नहीं बनना है, जाके सीधा ऑर्गेनाइजर्स जो है उनसे बात कर लो, स्लॉट ले लो, हमें भाई बीच का कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ एक मीडियम बन रहे ताकि आप लोगों को कनेक्ट कर पाए एंड भाई आप लोगों को एग्जैक्टली बता पाए कि वेयर इज इट रीजनेबल एंड व्हाई डोंट यू हैव टू स्पेंड 400 रुपीज टू प्ले फ्रॉम द क्वालिफायर्स। बस हम लोग को यही बोलना है गाइस, या आप जो भी देते हैं 150 रुपए दे के, कोई इसमें एक दिन के लिए खेलते हैं, दो दिन के लिए खेलते हैं जहां पे प्राइस पूल नहीं होता है, तो गाइस यहां पे खेलो 550 रुपीज भरो, फाइनल्स का स्लॉट मिलेगा। जी हाँ, एंड आपको तो पता ही है क्या है, प्राइस पूल है 10,000 इंडियन रुपीज का, तो भाई इट इज जस्टिफाइड, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ गाइस, दिस इज जस्टिफाइड। और एक और चीज है गाइस, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो भी है आपको डायरेक्टली उनसे कॉन्टेक्ट करना है, आई वोंट बी डीलिंग विथ दिस स्टफ इन द बिटवीन, आपको आप नंबर दे दिया जाएगा, डायरेक्टली आप नो मोसी स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजर से बात कर सकते हो। जी हाँ गाइस, पेड स्लॉट्स रखने पड़ते हैं बिकॉज दिस गाइस आर वर्किंग वेरी हार्ड गाइस, इन लोग ने पैसा लगाया है 10K, तो पेड स्लॉट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो टीम्स को इन्वाइट किया है, सो दैट ऑल्सो कॉस्ट सम मनी, बस यही बोलना चाहता हूँ। जुइस भैया सुनो, 10 मिनट फुल लैंग्वेज कॉमेंट्री प्लीज, और विल से फाइन इफ ही आई, भाई तुम क्या बोल रहे हो ब्रो, 10 मिनट फुल लैंग्वेज कॉमेंट्री, लैंग्वेज कौन सा होता है ब्रो, इंग्लिश कॉमेंट्री, अरे इंग्लिश कॉमेंट्री हमसे नहीं होगी ब्रो, इधर यू वॉट डू इज आई गो एंड गाइज प्ले मराठी गेम प्ले एंड गेम प्ले प्ले आफ्टर मराठी एंड देन दगड़ के पीछे प्लेयर आई सी एंड देन गाइज वॉट वी डू इज डायरेक्टली बूम्बा। चलिए गाइज एवरीबडी दगड़ के पीछे, आगे नीचे ऊपर पीछे, तो फटाफट अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। सर बिग फैन आई, ये शान भैया बिग फैन, पता नहीं अपने बंदे है कि नहीं खेलने के लिए, देखते हैं जरा बंदे है कि नहीं खेलने के लिए, वो तो पता नहीं है गाइस, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे बंदे है, बट मैं इनको डीएम कर लूंगा, देखते हैं गाइस। एक बंदा मिला यार एनबी ऑर्डर करके, उसने नाम रखा था नोवा ऑर्डर, अब क्या बंदा है यार, बहुत ही तगड़ा खेलता है, बहुत ही तगड़ा खेलता है, बहुत ही मस्त।
प्लीज इंग्लिश मजा। अरे ब्रो आई डोंट कॉमेंट्री इन इंग्लिश ब्रो, आई ओनली कॉमेंट्री इन हिंदी। हिंदी कॉमेंट्री बोलते ब्रो, नो इंग्लिश कॉमेंट्री। आई डोंट नो, आई अनपढ़ ब्रो। मेरे को 3 बाइक दे दो, शादी में आया क्या साला ये हमारा प्रोफाइल नहीं है ब्रो, इसको लॉग आउट करना पड़ेगा। दिस इज आर ऑक का प्रोफाइल। अबे चुब्बे साला, कैनॉट रजिस्टर एन अकाउंट बोल रहे हैं, शांत बैठ। हम लोग की वजह से तू जिंदा। अबे तेरी तो भैंस की टेट। रुक अच्छा गावत, अब भी करंट होगा, देख कैसे करंट होगा। रुक है, अब बोल, अब बोल ना। निंजा मेथड गाइस, वो खटे गया, वो किधर गया ये। हेलो वाई, अरे इवो है, इवो। इवो कौन, इवोल्यूशंस एंड सिंह। अरे भाई कटे होता, हेलो। डेली वीपीएन लगाओ बेटर है, ओके आई विल ट्राई, बट वीपीएन से थोड़ा सा डर लगता है यार। डीएनएस थोड़ा ओके है मेरे को। हेलो। हेलो हेलो, आई करा देगा। हाँ इधर हाँ ठीक है, थम थम थम, माता डेस्कटॉप से ऑडियो ढूंढ दे। ओके लेट्स गो। हेलो इवो, अरे इवो कौन मेरे भाई। भाई कोंटा लिविकस ना, चल रैंडम क्यों, रैंडम क्यों, इधर पानी पीने वाला। हेलो टू ऑल, अरे इडली क्या। हेलो भाई, अबे सच में ये वो है क्या। नहीं नहीं मेरे भाई येड़ा बना रहा है, इडली इधर थोड़ी आएगा कुछ भी नहीं हो सकता है ब्रो, ये नहीं हो सकता है। येड़ा बना रहा है भाई, गलत प्रोफाइल है, गलत प्रोफाइल से मेरे को लग रहा है। रुक मेरे को चेक करने दे। अरे सच वाला ये वो है क्या, ये वो इडली है बायोनिक। भाई सच वाला है क्या ये वो। ये वो सच नहीं, चलो मजाक कर रहा है भाई, टीम एक्स पक्का ये वो थोड़ी ना इधर आएगा ब्रो। भाई वो तो अभी खेलता रहेगा, अभी उसका कस्टम चलता रहेगा ब्रो। पौने 12 बक्स किया, अभी उसका 12 का कस्टम रहेगा। भाई मजाक मत करियो, पहले बोल रहा हूँ बायोनिक तेरे को। व्हाट लाइली टाइटन, हाँ तू से ना, हाँ ठीक है। और एक कोरबेट ला रे ऑर्डर म्हणून, एनबी ऑर्डर। चला ओके, चायनाचे या आवडतात, चायनाचे प्लेयर, चायनाचे प्लेयर ओके त्याला आवडतात रे। रँडम मध्ये भेटले, अरे काय खेळते रे भाई 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 भाई, नेक्स्ट लेवल कवर देते, लिटरली मैं नेक्स्ट लेवल कवर देते, मैंने पाप कवर। हरी एक दोन गेम प्ले रेकॉर्ड केला वाटतंय, बघा लागतील आखिरचा रेकॉर्डिंग का टेस्ट करतो। भाई इडली भाई, ये बंदा मजाक कर रहा है, ये इडली नहीं है पता है। ये वो इडली यहाँ पे क्या करेगा इस टाइम पे।
मतलब एक प्लेयर है मैं मिल लेगा टीम एक्स ही वो। अरे मेरे को पता है भाई ये वो कौन, ये वो इडली कौन है सच में है क्या ये वो मेरे भाई? अगर तुम सच में तो थैंक यू सो मच, बट यार बायोनिक मेरे को नहीं लगता ये वो है। ये वो अभी उसके स्क्रीन रहेंगे ब्रो, अभी वो उसके साथ में खेलता रहेगा आदित्य के साथ में। आदित्य बड़ा भाई बिजी आदमी, बिजी बिजी सर ब्रो। आदित्य भैया तो रिप्लाई भी नहीं देते यार, एक बार डीएम किया था उनको भाई छत के ऊपर। वॉच आउट भाई, यान जंप के लिए कहाँ है भाई? वो उड़ी मर लिया या नहीं? बड़े मन करी हाँ आई थिंक सो, आई थिंक सो, ऐसे थिंक हम आए थे। आई जेड तक आए नेटवर्क क्या? भागो घर के अंदर वापस। भगा लिया है तुमको जो मैंने पर परप्पा। विदर कोण ने दाडा इंदम कट लागले काम मला गेले। अच्छा 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 सर पुरस्त अगर टीम एक्सबॉक्स साथ लगाए ना यू इडली आदित्य यू इडली जन कमेंट चला है थे माना वाटेस नहीं तो यू इडली है। यूट्यूब चैनल है ना? हाँ हाँ यूट्यूब चैनल है। व्हाट इज द हु इज द फेवरेट यूट्यूबर? माय फेवरेट यूट्यूबर मैंने बोला तो यार मोस्ट प्रोबेबली नॉट फ्रॉम इंडिया। द ओनली रीजन बिहाइंड दिस इज गाइस जब बंदे बड़े हो जाते हैं ना तो सपोर्ट नहीं करते। माय फेवरेट यूट्यूबर इज नॉट फ्रॉम हियर। क्या बोलूं पबजी अगर बोलोगे तो है एक दो, ऐसे नहीं है कि सब ऐसे ही होते। हाँ यहाँ आगे वॉच आउट ओके तो रोटी पुणे सेंड मुंह पे एक नॉक चला हेड लगला है वर्की है चला वर्की चला हेड लगला है। अरे गाइस ऐसा नहीं है कि मेरे को सपोर्ट नहीं मिला उसके लिए, मेरे को तो वैसे भी अपनी मेहनत के ऊपर बढ़ना है। बट आई हैव सीन इट यार ये कम्युनिटी में ना जब से हम आए हैं आई नो दैट बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई सपोर्ट ऑन डॉग सपोर्ट ऑन डॉग, बट एट दी एंड में भाई स्टोरी डालने के 10-20 हज़ार लेते हैं। हाँ भाई जिनको ऑफेंड होना है हो जाओ, मेरे को कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करनी है। बट यस हमें वो सब चीज़ें भाई अगर सपोर्ट अनडॉग थे अगर तुम लोग को मैसेज किए तो तुम लोग बोलते हैं भाई स्टोरी डालने का इतना दिस इज दिस मच, तो भाई किसका सपोर्ट ब्रो? जीरो सपोर्ट 30 सपोर्ट नहीं चाहिए ब्रो ऐसे सपोर्ट पैसे वाला।
इससे ज्यादा हम खुद ग्रो करें। समझ रहे हो ना गाइस? सुनिरे खाजवाने बसे उसे कान थम्मियो अजय अजय अंति भाई जा जिगल पर नंबर 3 ये मेला मार पीछे से देख। ओपी लॉक खत्म कर उसको खत्म कर उसको मेरे को छोड़ दे। लेंडी इधर कर इधर कर मार जी मार मदर तब 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 कह रहा है। ओ भाई फिनिश कर दिया था पक्का मादर पड़े पक्का रमेड़ आया आया Let's go. भाई सच में वो है क्या या मजाक कर रहा है ये? सामने भूखी थी अड़े चाय ला माजी बड़ा खरा सी वो है अड़े What the? भाई वो सच में हो क्या? भाई लिटरली अरे यार मैं कैसे ये करूं मैं कंफर्म कैसे करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सच में ब्रो अगर आप हो तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग यार थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओए अलगड़े फॉलो के लिए अरे एफ डाला एफ मोटा एफ चल रहे हो चल लट लाइए प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड इवो मेरे भाई मैंने ये किसी को टारगेट करके नहीं बोला है बट आई नो आपको तो पता ही होगा क्या चल रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली क्या नहीं चल रहा है। क्यों क्यों ना मेरे हेलमेट ने तुम यहां पुश करो यार क्या अटला ना वॉच आउट मैं मार दूं तो तेरे पेला इंच हां मैं अटला है ये मारूं दे तू तेरे से जगह में उतर आई तो इंच दे अरे मेरा हेलमेट में एक नंबर जाओ तो रश करना था हां बोल ना हां बोल मैं मेरे हेलमेट नोत रे तो ता आ मैं तो सुन रहा है पैनिक रूम में तो नॉक गिला ओपी 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 क्या करता बिते रहा ना ता सेव कर लेता नहीं ये आला आला ना
1v3 बोलते ऑन स्ट्रीम आइए बूम बम यू भाई दिस वाज फॉर यू थैंक यू सो मच ब्रदर आई रियली अप्रिशिएट इट वैसे मैं टाइम आद गन चल चले मारे करते नहीं थी कारण किस लिए क्या माना तो मैंने आटे जोड़ा व्हाट ब्रदर भाई M4 अटल तो निगुस अटल काय छे जीस फायर लाइक थे ते दोनी M4 दोनीया फायसल धन देते चाय 3 6 4 चाय एमओ इसत फुल बूम बाप फिश करला एक आहे ना फिश करसाठी प्लेयर लव 76 पाय काढले 76 वॉच आउट नाही बस ते समोर प्लेयर आहे ते मेरे हद प्लेयर आला था मिला मैं 200 मीटर है थम एक नंबर नौकर डक फिनिश दे देव डक साफ फिनिश देव डक काय काम आहे नाही सर टॉक्सिक खेळले का अभी गाडी अटले इजी मारू शकतो अरे म्हणा आता समजलं मला मारे एक पण येणे अरे तो मैं धरले आहे का स्कोप आहे का हां स्कोप आहे फिक्स बिना का एक्स्ट्रा ते मारला वॉच आउट एक तो सर लुक सर कोण सर मला डाउन सर हां धरला प्लेयर असेल मी राईटला ओ बघ करा मध्ये दिसतोय त्या खिडकीवर फायर देत रे नाही रे दिला मी त्याला फायर तरी त्या मारा फॅन नैया तेरी नदिया पार गई नदिया पार गई भैया अपने बंदे को फिनिश करेगा तो ऐसे ही मिलेगा ब्रो केला मिलेगा ब्रो केला मिलेगा जाते हैं रश मारते बगीचे साले सर ये तो मार लो जी जी एंड बोल दे रे टी गो प्रो दे सोमरी बोल दे दे बर्दला मार लो त्या मन से इतना होता था कैंप चाय चकावत क्रैश डाला तो क्रैश डाल बना खेलते बूम अप करें क्रैश डाल मीने का रोल से अलग का आए देवा तूने कर ला सुना के कटे के लाओ टाटा रेडी करने
अरे अट्टे पण मारते तो काय झाले दरिंदर ओय दरिंदर दरिंदा दरिंदा कातिल चायला तो दरिंदा कातिल नहीं डर ना भाई डेंजर है डर बाल लगे हैं I need a weapon. अरे मी काय आणते जाव तू स्ट्रेट आहे तो मारते आणि तू लेफ्ट आहे बघ तो क्विक लेफ्ट राइट काय करा सर गन हिट करता ना जिगर खाय का त्या आ तू स्क्रीन शेक करते स्क्रीन तो शेक करते स्क्रीन नाही ना काट जिगल आहे नक्की काय स्क्रीन नाही स्क्रीन नाही अच्छा अरे एका मला तो एक पडक मारला रे भेंडी एकदम समोर रे अच्छा गावात खाली पडले का तेरे वेस्ट का लेवल टू से नहीं नहीं लेवल वन से मैं आने करें बाबू सर अरे VSS है मेरी तो फेमस है वो बचते अटला हम I got supplies हाँ तुक 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 में आला अरे अरे डीपी एक पण नाही एक एमएस क्यों दाखवत मला पडे बोस तू पॅसलर आय गॉट सप्लाईज लेट्स गो लेवल सेट लेवल 2 खेळ मत लेवल सकता टेबल लेवल 2 Marked a location. तो कुट क्या घरत? कुट क्या? हमारा मायदी पड़ले भेंडी पाव पड़ना पब्लिक आले आले. ये आटे आले. वोटे कर लूट. Watch out. Okay. जा रहा था. ओए शॉटगन हमार रे एक नंबर ये तो प्लेयर मार ला ना बॉटम मार ला एक नंबर ये कहां पे मिला रे प्लेयर प्लेयर है मेरा कटला मारला का तू ओए ओए
रॉन्ग 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 गलत घुसा ना भैया, ये टाइम में नहीं उतरने का बात। नोप कल मेडिसिन का फाइट चले अटक फ्रेंड देखा ली पढ़ ला बकते आंसर आंसर पढ़ ला ओए बेकार सीन था मां कटे प्लेयर कटे एक खाली है रुक रुक उधर ही आ रहा हूं दो नंबर पीछे ये हो गया बेकार चौक है ना चौक में जा बेकार चौक में कुतरा किधर मार रहा बच्चा तो यार समोर है मैं दगड़ा मेरे मारना फेल लो दो नंबर ला फेल लेता है मैं आज कपला 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 वरती है वरती है रेज वरती है Watch out! कटे तो जी जी वरना था मन नहीं नहीं आटे मन गाना पड़ गया आटे क्यों था वरना था मैं समझते हैं एक्टिव नो Nikita D'Souza, thank you for the Canadian $5. Thank you so much for that. आए तो नॉक रे नाइस नॉक दैट वाज नाइस नॉक काय नॉक होता रे तू काय नॉक होता रे टट्टी मोंग खेलते का बहुत एक नंबर नॉक होता तो नॉक होता तो बहुत ही कनेक्ट लोग थे
नीचे 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 साबुन पड़ी जाए भाई अटला कुछ ले समोरा मार की पुणे कुछ शक्ति स्पॉट है डॉट ऑफ इनिमी नो फ्रिकिंग गन बंदूक नहीं फुल स्कोर can you hit bell laura I safely came here. Woohoo! War minus. भाई क्या है ये? यश मेरे भाई. ये क्या है ब्रो? क्या हुआ ब्रो? यहाँ पे क्यों? ये यहाँ पे क्यों? तो मैंने मोई देखी थी तो हमें लाभ दिन ना चलेगी ना. अच्छा मैं तो आश्चर्य थी जब तेरा क्यों पड़े नहीं को लेता है. पीवी लोइंग ना ताई वाले चांसेस स्टेप ने हेलमेट ना मैं मेरे यार मैं हेलमेट क्या लगे ना अच्छा कावा स्टेप तेज़ है ओनली वन यार स्टेप वन एनिमी पुश करो इवन ना अलग साइड पर आ जाओ. दे पुश करो सीधा 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 से. अरे भाई एक भी बैग नहीं है. क्या है क्या ये? अटन दोनों का अटन था. एक मिनट अटन तू उठ लाई ठीक है ना. नॉक कर ले मतलब फाइट गेट ले तू. ओके ये टाइम एक मिनट गिरा खाएगा नहीं गिरा कौन नहीं हमारा मेन बिल्डिंग में अखी शाकी स्क्वाड है. हाउसे एकदम हाउसे था ना भेली महाराज. बोल करूं बोल ले बिकार कर. ये कौन तक चल रहा है? हम बोल दो
यश मेरे भाई जो भी है यार सेंड कर दो। एग्जैक्टली क्या सीन हुआ वो मैंने क्या 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 बोल रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? गांडा बम बोले दिए रे क्या कर सकते हैं इसको, ऑफिस बोले था लेकिन गांडा एक जन नहीं ना तो नहीं आप लेना आप लेना तो ना आप लेना बोल बहन छूत काय नेड होता त्या मी फसलाड त्या नेडला आई चिकन आल्या मार त्या आले तो बिजेक नेड बसला मी स्मोक टाकले अच्छा थांब 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 मी मागेला जम केली त्यान ये थी ना ते ये डोर ओपन कर मागे 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 घरात गेला पाहा तू लेफ्ट राइट नाही ना तो आई फेर द बॉट मार मारा पार तो मार ले रे एक नंबर इडियट कर दो जी जी और ब्रो क्या बोलती है अरे भाई एक नंबर भाई फुल बुम्बा बोलती मेरे भाई डीजे मेरे भाई क्या हाल चाल है आई एम रायन ओपी हेलो रायन मेरे भाई क्या हाल चाल भाई जो कटे गया ऑफलाइन गया तो परविंदर अरे तो पाळाच नेड त्या नेड शाइन बीडी त्यान मला हे काउंटर नेड केला आहे देख फिनिश केला हां माहित आहे बरं का फिनिश केला तो चाय आला हेलो जी भैया दो दिन बाकी अभी भी रैंक पुश कर रहे हो जीत जी आई देर था भाई ये क्या होता है आई देर था वो भाई लिटरली मैं कान फूट ले रहा है वेट भाई आईची कांड रे कपिलो बे भाई काहीच नाही करू शकले भाई तरी आले तयार केलं मला हे एडसो बघ त्याला काय करतो काम नाही येले यूएमपी मी के करू हार्ली क्वीन का लाभ तो इसके पास नहीं भाई लेकर भूखाला मिल गई तो सुना दीजिए खाया नहीं
तो वाला मन समझ लो हट 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 ओके इट्स ओके आता नेट क्यों आता नेट क्यों चल लेट्स गो बदरा टाइम पर आता बूम बम काम लेट्स गो Let's go. यार काय झाले मार पॅराशूट रेट भाई गन फाइट फाय बिल्डिंग चा बी केअरफुल पुढे नाही पुढे नाही पुढे नाही फाय बिल्डिंग ला नाही हां तेच मी सी सुरला सला माय मेन प्लेयर एक मी सॉरी मेरे आता गुस्सा सला आपको टीम में खेलना है एक गन दे रे देवा पहिला टारगेट केला ध्यान से तो एक नंबर दो दिखा मैं खाली आला नहीं 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 मैं मेरे हेल्थ नहीं मैं मेरे हेल्थ नहीं बोल कर अल्लाह के नहीं नरे भाई मेरे फंस गया तीन नंबर ऊपर है भाई सोला यार किक सेक्सा रे सिक्सक लागली यार गेम ला पोदा इकला यार देव जा लागले शिरे करू कुदर जा उधर जा इधर काय करत खुशी आवे
एक हेलमेट तो ऐसे देख Watch out! यार गेम ने हो गया। हेलो भाई कैसे हो? बहुत दिनों बाद आए यार चैनल। अरे कातिल मेरे भाई क्या हाल चाल ब्रो? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल यार। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू द चैनल। भाई कैसे चल रहा है? हाँ एक्चुअली थोड़ा टाइम के बाद नो साउंड। कातिल भाई मेरा साउंड आ रहा है यार? नहीं आ रहा है। अच्छा ओके इसका साउंड नहीं आ रहा था अपना गेम का। हाँ 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 गेम का साउंड नहीं आ रहा था, वो बंद किया था म्यूट किया था। बढ़िया भाई आप बताओ कैसे हो? सब बढ़िया एकदम मस्त यार। सुन टू के यस ऑफ कोर्स यार थैंक यू सो मच गाइस। मैं भूल ही गया यार दो के करना चाहिए कि नहीं? कातिल भाई एक्चुअली ये हुआ है ना मैं बहुत टट्टी कर रहा हूँ यार आज, पता नहीं क्यों थोड़ा मूड डाउन हो चुका है पता नहीं क्यों। थैंक यू सो मच बट यार कातिल भाई थैंक यू सो मच। वैसे आपका चैनल कैसे चल रहा है? क्या हालचाल? टाइटन आई लव टाइटन तो एग्जिट के लेगा छी मियां लगा बोल रहा है गाइस माय बैड टाइटन ने एग्जिट कर लिया ऑलरेडी। हेलो 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 आए कृतिका टीटान गाइस आज गेम पे नहीं हो रहा है यार शायद से नहीं खेलूंगा देखते। हेलो 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 हाँ भाई मी कहते हैं मैंने कहा मार लक्षण मार लक्षण तू खेलते क्या कंटिन्यूस
तो तू मेरा नहीं कर रोन ने आज गेम एकदम दरिद्री उस एकदम दरिद्री आज नहीं खेला भाई आज मिस्टे हाँ तेरे 12:30 पर मत चल 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 बाय तो गाइस आज का गेम इतना घटिया हो गया कि भाई मूड ही चला गया चले कोई बात नहीं है खेलते हैं बट कल खेलेंगे बाद में खेलेंगे स्ट्रीम के बाद में अपना नॉर्मल स्ट्रीम जो रहता है उसके बाद में तब तक के लिए तड़ापा सी यू आसरा विशा स्वीट ड्रीम्स गुड नाइट टेक केयर एंड स्टे सेफ एवरीबॉडी मिलते हैं कल 4 बजे में एक्चुअली हमारा जो फाइनल्स है वो टाइम में अगर आप लोगों को फाइनल का टाइम जानना है तो हमारा नंबर सेव करिए व्हाट्सएप का उसके ऊपर स्टेटस मिल जाएगा आपको 4 से 9 बजे के बीच में हम लोग आने वाले हैं नो मर्सी स्पोर्ट्स के ऊपर तो फटाफट बूम बाम तगड़ा तोड़ होने वाला है गाइस तो चलिए तड़ा बाय बाय सी यू आस्ता विश द गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस। मेरे भाई बढ़िया चल रहा है बस थोड़ा टाइम का भी ब्रेक लूंगा अप्रैल में 2 मंथ ओके ब्रदर कोई बात नहीं है जब वापस आओगे तभी साथ में स्ट्रीम करेंगे साथ में खेलेंगे फुल बूम बाम करते रहेंगे और तोड़ते रहेंगे बंदों को बताते रहेंगे कि भाई यहाँ पे बंदे भी हैं जो लोग दूसरे बंदों के लिए कस्टम रखना चाहते हैं जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते हैं तो चलिए मेरे भाई टाटा बाय सी यू मेरे भाई गुड नाइट।